नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेपर। देखिए, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरीके से शिक्षक यानी नियमावली शिक्षक को लेकर जिस तरीके से प्रावधान लाया गया, राज्य कर्मी का दर्जा का बात किया गया, बीपीएससी से एक एग्जाम होगा उसके बाद राज्य स्तर कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बिहार के कई जिलों से ऐसे खबरें निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षा व्यवस्था में काली कानून का व्यवस्था लागू किया गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपने जिद पर अड़े रहे, कैबिनेट पास हुआ, लेकिन अब जहानाबाद में नई शिक्षक नियमावली को लेकर धरना प्रदर्शन पर माधवी शिक्षक संघ बैठे हुए थे और लगातार उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नई शिक्षक नियमावली में जिस तरीके से नीति को लाया गया है उसे जल्द से जल्द रोका जाए। नियमा शिक्षक वाली में जिस तरीके से बहाली प्रक्रिया की गई है, जिस तरीके से जहानाबाद में प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षक, जरा सुनिए। आज हमारा ये संघर्ष का ये तीसरे चरण में हम लोग आज चौथे दिन है, तीसरा दिन है और ये अध्यापक नियमावली 2023 जो बिहार सरकार के द्वारा जो प्रख्यापित की गई है उसके विरोध के आलोक में हम लोग ये आंदोलनरत हैं। सरकार ये शिक्षा के मामले में ये बिल्कुल संवेदनहीन है और जिस तरह से अध्यापक नियमावली 2023 में नियोजित शिक्षकों के मामले में ये जो विपरीत ये आदेश पारित किया गया है, हम लोग उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। ये अध्यापक नियमावली 2023 पूरी विसंगतियों से भरा हुआ है, शिक्षा जगत, शिक्षा और शिक्षकों के लिए ये विरोधी कानून है, इसको वापस लेना होगा। साथ ही साथ सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो हम लोगों का धरना और प्रदर्शन मौलिक अधिकार है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अधिकार मिला है, उस अधिकार को कुंद करने के वाला जो आदेश है उस आदेश को वापस करना होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक सरकार को, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को मौलिक अधिकार का हनन करने का इजाज़त नहीं है। हम इसका भी विरोध करते हैं।